कुर्ती कटिंग बता रही हूँ, छोटे बच्चों की 8 साल 10 साल तक लड़कियों के लिए, पहले कपड़ा लेंगे, कपड़े को डबल करके और उसको वापस 4 फोल्ड करेंगे। कपड़े को 4 भाग रख दो, फिर सबसे पहले लंबाई का निशान, पूरी लंबाई। तो इसकी पूरी लंबाई है 28 इंच, 28, तो उसमें 2 इंच प्लस कर दो, 30 इंच, 30 के निशान कर दो। फिर ये पूरा शोल्डर है 13, 13 का आधा 6.5, तो 6.5 में 1 माइनस कर दो। अगर ये कॉलर वाली होती तो पूरा 6.5 लेते, पर ये डीप गला है तो 5.5 लेंगे। और सेम 5.5 इंच बगल की लंबाई, कंधे से छाती तक की लंबाई जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे ये निशान आए हैं उधर ही छाती का निशान, छाती है 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग 7.5, 7.5 इंच पे मार्क कर दो। फिर अपना मार्जिन छोड़ दो, 2 इंच 1.5 इंच जो भी रखना है। फिर यहाँ से 1 इंच लेके गोलाई दे दो, हाथ की गोलाई है 13 इंच, यहाँ पे शोल्डर की सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ दो। फिर यहाँ से और ये जो छाती का निशान आया था वहाँ तक 6.5 इंच लेना है, 13 का आधा 6.5, ये आना जरूरी है परफेक्ट ना। अगर ये अपने को ज़्यादा चाहिए होता तो और अंदर से शेप देते, 7 या 7.5 लेना होता तो, और कम लेते यानी 6 आता तो और ऊपर से लेते, पर ये बराबर 1 इंच रखा, ये बराबर आ गया 6.5 इंच। फिर छाती से कट तक की लंबाई, इसको बोलते हैं छाती से कट तक, जहाँ पे अपना कट छूटता है, तो ये बच्चों के लिए 12 या 13 इंच लेना, तो मैंने 13 लिया है यहाँ पे, और 13 का आधा 6.5, 6.5 पे एक निशान कर दो। उसे 6.5 पे अपनी कमर चौड़ाई बनेगी, कमर चौड़ाई है 28 इंच, तो 28 का चौथा भाग 7 इंच, 7 में वापस 2 प्लस कर दो सिलाई मार्जिन के लिए, ये निशान कर दिया। अभी इसको और इसको मिलाएंगे पहले। अभी जहाँ पे ये 12 पे निशान किया था वहाँ पे सीट लेंगे, तो सीट है अपनी 32, तो 32 का चौथा भाग 8 इंच, 8 प्लस 1.5 साढ़े 9, सिलाई के साथ में ये इसको और इसको मिला दो। और फिर पूरी लंबाई जिधर आई वहाँ पे घेर ले लो, 9.5 या 10 घेर ले लो, और उसको मिला दो। फिर 2 इंच गले का निशान कर दो, यहाँ से 1/2 इंच खाली कटिंग करेंगे और बाकी बचा हो कंधा, फिर उसको काटेंगे। फिर कमर में कट का निशान कर दो हल्का सा ऐसे कपड़ा पकड़ के, और सीट के लिए हल्का सा कट मार दो ऐसा। फिर अपने गले की कटिंग करेंगे। अभी दोनों पार्ट सेम है, उसमें से कोई भी एक आगे का पार्ट रखेंगे, एक पीछे का पार्ट रखेंगे। तो अभी आगे गले की लंबाई बड़ों के लिए 6 या 6.5 इंच लेते हैं, अभी ये छोटी है तो इनका 5 इंच बस हो गया। ऐसा बॉक्स जैसा बना दो और उसी के अंदर शेप दो, जो भी शेप देना है। अभी इसको कट करेंगे और हल्का सा आगे के लिए अंदर का शेप ये देना जरूरी है। इसको हटा देंगे अभी पीछे का गला। अभी पीछे का गले की कटिंग, तो पीछे चेन डालनी है, पहले मैं 4 इंच गला लूंगी। फिर यहाँ से ये जो सीट होता है, सीट से 2 इंच ऊपर निशान कर दो, वहां तक सीट का निशान 15 तक है, तो ये निशान से सीट देख के उसके 2 इंच ऊपर ले लो, वहां तक चेन डालेंगे। कभी भी चेन डालने का आइडिया नहीं रहे तो को जो सीट का कट लगाए है उसके ऊपर 2 इंच निशान कर दो और उसको डायरेक्टली काट दो।
जी स्लीव काटेंगे। स्लीव के लिए पहले सीधा एक कटिंग कर दो, हल्का सा सीध दीजिए। स्लीव 4 इंच की, 4 इंच लंबाई और 4 का आधा, 2 पे एक निशान कर दो। उसी जो 2 निशान है उसी निशान से अपने हाथ की गोलाई जो आई थी, ये इसमें जो हाथ की गोलाई का फिटिंग आया था वो 6.5 इंच लिया था, तो इधर भी 6.5 पे निशान कर दो और जो 1.5 इंच मार्जिन रखा था, 1.5 या 2 जो भी है वो, और इसको मिला दो और अभी हल्का हल्का शेप दे दो। और यहाँ से तिरछा बाय चौड़ाई लेके भी नाप सकते हो, और बाय अगर नाप नहीं है तो डायरेक्ट तिरछा ले लो। अभी इसको कटिंग करेंगे। स्लीव काट ली, अभी देखो इसके आगे के लिए शेप देना है। शेप देने के लिए यहाँ से 2 भाग ले लो, उसको खोल के जो मार्जिन का निशान छोड़ा था यहाँ पे 1.5-2 इंच, वहाँ पे ये वाला शेप रख दो ये, और जो ये बाहर कपड़ा निकला है उसको इसी शेप में कटिंग कर दो। ये हो गया अपना आगे की कटिंग, जो यहाँ पे आप कोई भी निशान कर दो, ये लिख दो या कोई लाइन कर दो, तो ये आगे ही जुड़ेगा। थैंक यू। करना, सब्सक्राइब करना।